केक तो है ही नहीं, क्यों आया है तू बाहर? फ्रिज में इधर लेके आ। आपको पता है तूने कब देख लिया? मैंने देखा। अच्छा कितने साल का हो गया? 25 का नहीं हुआ है, एक साल कम बता रहा है। मुझसे व्लॉगिंग शूट करवा रहा है तू अपना। गिफ्ट दे पहले, चल। बर्थडे टू। हाँ तो नीचे भी ऐसे ही जाना, तू नीचे से भी ऊपर ऐसे ही आएगा। गलत केक ऑर्डर करके आ गई है। लड़कियों वाला केक रेड वेलवेट तू ही लेके आई है? मैं नहीं लेकर आई हूँ ये वाला। हैप्पी बर्थडे टू। मम्मी तुम उसका साइड ही लेती हो हमेशा। नायरा तुझे बर्थडे गिफ्ट क्या दे रही है? तो अभी घर पे केक कटिंग हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि नीचे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स और भाई भाभी नीचे वेट कर रहे। तो चलिए अभी नीचे है तो मेरी बिल्कुल हालत खराब होने वाली है, अब देख लेना आगे व्लॉग में। कोरोना है, नया पीस तो पीला काट के भाई। केक वेक लगाना, जल्दी लगा लो ठंडा पानी। थोड़ा सा देख भाई, बर्थडे का रिवाज। ए राजा, रुक रुक रुक, अरे वीडियो ले रहा ना नहीं है? अच्छे से लगाओ, व्लॉग में बरोबर आना चाहिए। रुकना, आ जाओ जरा, अंकित की हल्दी हो रही है। मेकअप करवा रहा है, मेकअप। ए मारो मारो, ए पानी निकल, पानी निकल। आज भाई का भी बर्थडे है। मेरी ऐसी हालत, अब मैं आ गया हूँ घर और नहा धो के सो जाऊंगा, आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट कल। हाय गाइस, अभी हो चुकी है सुबह और आज काफी मतलब बॉडी पेन कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। और आज का इतना कुछ खास प्लान तो है नहीं, बस आफ्टरनून पे लंच पे या मूवी पे जाऊंगा, तो फिर शाम को एक छोटा सा सेलिब्रेशन घर पे ही है। तो बस अभी चलते हैं, रेडी हो जाते हैं और फिर निकलते हैं बाहर, और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। तो अभी नहाने जाने से पहले मैंने सोचा मैं खुद को थोड़ा बहुत पैम्पर कर लूँ, मतलब बर्थडे है, मतलब अभी बाल काफ़ी रफ हो रहे, इसके लिए थोड़ा तेल लगा लेता हूँ बाल में और उसको 20-25 मिनट छोड़ के उसके बाद मैं मेरे बाल शैम्पू कर लूँगा, क्योंकि बाल में कल केक लग गया था तो उसके बाद बाल काफी रफ और ड्राई हो रहे, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा पुजीवा का नेचुरल इन्फ्यूजन नरिश एंड ग्रोथ का हेयर ऑयल एंड शैम्पू। पुजीवा का नेचुरल इन्फ्यूजन नरिश एंड ग्रोथ हेयर ऑयल बना है प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से और आपके हेयर रीग्रोथ एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है और आपके हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है और डैमेज हेयर को नरिश करता है। ये हेयर ऑयल 20% हेयर फॉल रिड्यूस करता है विद इन रेगुलर यूज ऑफ 8 वीक्स विथ क्लिनिकल प्रूवन डेटा। आपको भी मालूम कि स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पोल्यूशन से आपके बालों में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए ये हेयर ऑयल है विथ इट्स ब्लेंड ऑफ 21 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स। इट हैज बेसिल हैरी रूट एक्सट्रैक्ट एंड सनफ्लावर सीड ऑयल विथ कोकोनट ऑयल विच हेल्प्स इन हेयर रीग्रोथ। इसमें है फेनुग्रीक ऑयल जो इम्प्रूव करता है हेयर थिकनेस को, और इसके साथ साथ इसमें है ऑनियन ऑयल, एवोकाडो ऑयल, मोरेगन आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, आमला ऑयल, ब्रिंगराज ऑयल, शिकाकाई ऑयल और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। और ओजीवा नेचुरल इन्फ्यूजन नरिश एंड ग्रोथ हेयर ऑयल वेगन है और ये फ्री है हार्मफुल केमिकल से लाइक सल्फेट, पैराबिन, डाइस एंड आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस।
तो बस अभी हेयर ऑयल अच्छे से अप्लाई कर दिया है, इसको मैं आराम से 20 मिनट छोड़ूंगा। अगर आप इसको नहाने से पहले यूज नहीं कर रहे तो आप इसको ओवरनाइट भी यूज कर सकते हैं। चलो अभी 20 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं अप्लाई करूंगा ओजीवा नेचुरल इन्फ्यूजन हरिश एंड ग्रोथ शैम्पू। ये शैम्पू बना है प्लांट बेस्ड नरिशिंग प्रॉपर्टीज से, ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और आपके हेयर वॉल्यूम को भी एनहांस करता है और आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एंड 15% लेसर हेयर फॉल विद इन 8 वीक्स ऑफ रेगुलर यूज बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रूवन डेटा। ये शैम्पू आपके बालों को डीपली नरिश करने में हेल्प करता है और ये शैम्पू आपको हेयर लॉस से भी बचाता है, और ये शैम्पू यूज़ करने से आपके बालों की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। नेचुरल इन्फ्यूजन नरिश एंड ग्रोथ शैम्पू कंसिस्ट ऑफ इनहिबिट्स हेयर लॉस एंड रिएक्टिव हेयर ग्रोथ विद हेयरी रूट कल्चर एक्सट्रैक्ट, रिड्यूसेस हेयर फॉल बाय DHT ब्लॉकिंग एक्टिविटी विद सॉ पैल्मेटो एक्सट्रैक्ट। चलो अब इसको मैं जाके वॉश कर लेता हूँ और आपसे मिलूंगा मैं डायरेक्ट रेडी होने के बाद। चलो अब मैं हो गया हूँ रेडी निकलने के लिए, और अभी सुबह सब लोग सो रहे तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और बाल काफी अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी ओजीवा का नेचुरल इन्फ्यूजन नरिश ग्रोथ शैम्पू एंड हेयर ऑयल जरूर ट्राई कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट। चलिए अभी चलते हैं। और मैं सुबह कपड़े लेने आ रहा था अपने वार्डरोब से तो मुस्कान गेट नहीं खुल रही थी, और क्यों? और उसका रीज़न ये है कि वो चाहती थी कि मैं सुबह उठूं और ये डेकोरेशन देखूं अपने रूम में, लेकिन मैंने उसका बेचारे का प्लान फेल कर दिया। लेकिन काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया है, तो अभी वो है किचन में अपना नाश्ता बना रही है और उसके पीछे मैं यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सॉरी मुस्कान, मैंने तेरा प्लान फेल कर दिया। तो अभी मैं आ गया हूँ मॉल, और क्योंकि मैंने बर्थडे के पहले मैंने शॉपिंग नहीं की थी तो इसके लिए मैंने मैक्सिस मॉल आके मैंने शॉपिंग कर ली है। ज़्यादा नहीं की, मतलब थोड़ी सी शॉपिंग की है। अब देखते हैं क्या करते हैं, शायद मूवी का प्लान है, अगर मूवी गया तो गया वरना चलेंगे घर पे। नहीं क्या हुआ अब? अब तेरा डेकोरेशन ही देख लिया मैंने, क्या लाई है? फट गया ये, मैं अलग तरीके का। तू ऐसी काम किया कर, अलग तरीके का केक लेके। देख लिया तेरा मैंने डेकोरेशन जो तूने इसी रूम में किया है। हां सब चौपट कर दिया, मैंने बोला था माता वाले रूम में। रहने दे नहीं कर पाएगी, छोड़ दे बोल रहा हूँ, छोड़ दे, काफी इतना कर लूंगी। हाँ कर लूंगी मैं, सुबह से लग जाऊंगी इतने में। दिमाग तो है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, बस अभी थोड़ी देर में यही रूम ब्लैक पेंट ब्लैक। इसमें इतना गंदा डेकोरेशन किया तो यही रूम में केक काटेंगे आज। और केक काटने के बाद एक छोटा सा प्लान बन रहा है मेरा कहीं जाने का, अगर हुआ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो। अरे हो गए रेडी? हाँ आधा घंटा लगा दिया तूने। तो आधा घंटा मैंने थोड़ी ना, इन्होंने डेकोरेट करने में लगा। और तू कहाँ गया उधर से? तू कहाँ गया? खुश हो गया तेरा बर्थडे खराब है मुझे दे ना अभी तो बोल रहा था नहीं चाहिए। तुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं यार, मुझे दे देना।
तो केक कटिंग वगैरह सब हो चुका है और जैसा मैंने आपको बोला था, छोटा सा प्लान बना है, एक्चुअली मेरा प्लान बना है फैमिली वालों के साथ शिरडी ट्रिप का। तो अभी हम लोग बस 11 बजे शिरडी के लिए निकल रहे हैं और बाबा के दर्शन करूंगा। कल थर्सडे भी तो जाएंगे, सुबह पहुंच जाएंगे और शाम को रुक के अर्ली मॉर्निंग वहां से निकल के वापस मुंबई आ जाएंगे। ओ नहीं नहीं शादी मुकेश कहाँ गया? अबे अकेले अकेले जाके लेके आ गया, मुझसे पूछा भी नहीं एक भी बार। सही है भाई, शादी हो गई तो एटीट्यूड आ गया। खा ले रुक जा दिल दीवाने। पहुंच गए शिरडी, अभी हम लोग होटल आए रूम चेक करने। हम लोग दो तीन होटल देखने के बाद एक सही अच्छा सा होटल मिल चुका है, बस अब जा रहे हैं और थोड़ा रेस्ट करके फिर हम जाएंगे दर्शन करने।